आज मैं कुछ देर पहले लिबर्टी का इम्पोर्टेंस बता रहा था। लिबर्टी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लाइफ में, स्पेशली यू नो फॉर एनी इंडिविजुअल, राइट? क्योंकि इंडिविजुअल कैन डू बेस्ट ओनली व्हेन ही इज़ फ्री, राइट? व्हेन ही इज़ फ्री, एंड फ्रीडम इज नेसेसरी, वेरी नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। लिबर्टी इज अ गुड फॉर इंडिविजुअल, इट इज गुड फॉर सोसाइटी, इट इज गुड फॉर स्टेट, एंड स्टेट शुड नॉट इंटरवीन इन इंडिविजुअल लिबर्टी। व्हाट डू यू मीन बाई लिबर्टी? लिबर्टी मीन्स एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ये याद रखना, एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। बट लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस। लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता कि मैं जो मन किया अभी यहां से मन किया और फिर यहां से आपको किसी को गाली देना शुरू कर दिया, है ना, या कुछ अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि दूसरों को थोड़ा बुरा लगे, राइट? लिबर्टी मीन्स यू नो योर लिबर्टी, योर एक्शन शुड नॉट हार्म द अदर, राइट? योर एक्शन और योर स्पीच शुड नॉट हार्म द अदर। सेल्फ कंट्रोल फ्रीडम, ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं आना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल क्यों करोगे? बिकॉज वी ऑल हैव अ रीजन, है ना? अब जिसके पास रीजन नहीं है तो उसके पास लिबर्टी भी नहीं है। अब मान लो कि तुम बोलोगे सर मैं बीच सड़क पे ही चलूंगा, मेरी मर्जी, देन दिस इज नॉट अ लिबर्टी। फिर कार वाला बोलेगा मैं पावमेंट पे ही कार चलाऊंगा, एंड दैट विल बी एनार्की, नहीं, राइट? दैट विल बी एनार्की। सो दैट विल बी सेल्फ कंट्रोल्ड फ्रीडम, राइट? बट वी नीड फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल आज पूजा होगी हनुमान जी की, मेरे यहाँ पर भी बड़ा बड़ा पंडाल है, बड़े बड़े हॉर्न लगाए हैं ना। आई एम नॉट यू नो अगेंस्ट ऑफ वर्शिपिंग, बट योर वर्शिपिंग शुड नॉट यू नो अनवाइ द अदर एट द सेम टाइम। यू डू वर्शिप, यू डू प्रोसेशन, अब निकालिए कुछ देर करिए, ऐसा नहीं कि 8 घंटे तक हॉर्न किसी घर के सामने लगा दिया कि उसके अंदर रहने वाला आदमी फट ही जाए। उस दिन हुआ है ना, कुछ दिन पहले, आपको पता है ना कि एक एक इंसान था, उसने अपना जन्मदिन मनाया, शायद बच्चे, अपने बच्चे का, और इतना बड़ा हॉर्न लगा दिया, जो ऊपर लोग एनवाई हो रहे थे उन्होंने मना किया कि स्टॉप द हॉर्न, इट इज टू मच नॉइज, उसने गोली मार दी उसको। ये दिल्ली में हुआ है, राइट? तो दिस इज नॉट लिबर्टी। हाँ अमन, वेरी अग्रेसिव, सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, हाँ सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, हाँ, बट ये कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। सेम विथ माय नेबर, माय हार्ट बीट इंक्रीज टू मच दैट टाइम। होता है यार, बहुत लोग नहीं करते हैं उसको, वो जो हॉर्न का जो साउंड है ना, जो डेसिमल, जिस डेसिमल में वो साउंड निकालता है, इंसान के लिए वो फिजिबल नहीं है सुनना। क्या होती है? हार्ट बीट भी की हो जाती है, हो जाती है, राइट? एनीवे, सो दैट इज नॉट लिबर्टी। लिबर्टी मींस योर एक्शन शुड नॉट हार्म द अदर। यू आर फ्री टू द एक्सटेंट दैट योर एक्शन, योर स्पीच शुड नॉट हार्म द अदर, राइट? तो दैट इज लिबर्टी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रादर देन गिविंग प्रैक्टिकल। थोड़ा मुझे वो दे दीजिए, बैराक दे दीजिए। आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ and or personal liberty, or personal liberty except according to
अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये है आर्टिकल. ये लीजिए बस. अब क्या कहते हैं, देखो यहां पर नेगेटिव टर्म में बात किया हुआ है. स्टेट शैल नॉट, आर्टिकल 15 याद है? हाँ, वहां पर कहते हैं स्टेट शैल नॉट. आर्टिकल 14 याद है? नो सिटीजन शैल. यहां पर भी है नो पर्सन शैल. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. कल मैंने आपको लॉ बताया ऑफेंस. व्हाट इज ऑफेंस? योर एक्शन, व्हेन योर एक्शन ब्रेक द लॉ. सो ओनली लॉ कैन डिप्राइव यू फ्रॉम पर्सनल लिबर्टी, फ्रॉम द लाइफ. अगर किसी ने हीनियस क्राइम किया है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा. एज पर द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इंडिया में अभी भी कैपिटल पनिशमेंट है इंडिया में, राइट? ऑल्दो द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन इट, सुप्रीम कोर्ट इज डिबेटिंग ऑन इट. कैपिटल पनिशमेंट मतलब वो डेथ सेंटेंस जो होता है, हैंग, हैंग टिल द डेथ होता है ना. देखा जज को जज देते हुए पेन तोड़ देता है, राइट? मूवी में देखा होगा, बहुत सारे मूवी में वो देता है और अपना पेन तोड़ देता है. तो लॉ कैन पनिश एनीवन. लॉ कैन यू नो डिप्राइव समवन पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, नॉट अदरवाइज. अब ये जो है ना टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहां से आया था? ये टर्म ये हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. सर देयर इज सम डिस्टरबेंस विद द माइक. यस यस सी, अब ठीक है? अदरवाइज इज इट ओके नाउ? अब ठीक है? ओके, वो शायद लूज हो जाता है. Now, if you look at procedure established by law has been borrowed from, look at the term, procedure established by law has been borrowed from Japan's constitution. Japanese. ये constitution वहां के constitution से लाया गया, ये term. Procedure established by law. अब ये होता क्या है? Procedure established by law. And Japan constitution made by the American. ये से होता ही है. For अगर आप देखेंगे इंडिया का जो constitution बना, ऐसे नहीं कि अमेरिकन हेल्प नहीं कर रहे थे, राइट? तो ऐसा होता है. नाउ इसका मतलब क्या है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? कुछ आइडिया लगाओ, एज्यूम्शन मारो, एज्यूम करो. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है? कि सर यदि कोई प्रोसीजर है तो वो लॉ ही उसको डिसाइड करेगा, किसी भी चीज की प्रोसीजर फॉलो करना है तो. क्या any law made by the parliament or state legislature and its procedures, that is a procedure established by the law. Yes Abhinav, you are right. Any act. So the term procedure established by law has been borrowed from the Japanese constitution. You can write, okay, what is procedure established by law? मतलब होता है, लिखिए, इन एके गोपालन केस, या इन एके गोपालन केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन एके गोपालन केस. एके गोपालन बहुत बड़े लीडर थे, यूनियन लीडर थे चेन्नई में, राइट? In A.K. Gopalan case, Supreme Court held that the procedure established by law is
The pressure established by law means any law framed by the parliament and a state legislature. A state legislature and its procedures and its procedures. यही है इसका मतलब. No, it is not. I'll come to due process of law. Wait little bit. अच्छा, procedure established by law का क्या मतलब है? Any law made by the state, framed by the state, and उस law में जो भी procedures है वही follow होगा. वही फॉलो होगा. नाउ इफ यू लुक एट जुडिशियरी हैज नो इंटरवेंशन, जुडिशियरी हैज नो राइट टू इंटरवीन टू डिफाइन द लॉ. हु हैज अथॉरिटी? द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. इनका काम है लॉ बनाना और उसका प्रोसेस निकालना कि क्या प्रोसेस है. जुडिशियरी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर. पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस है, पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का. स्टेट लेजिस्लेचर ने बना दे दिया एमको का. कल मैंने बताया था गुजरात को का, एमको का, बताया था महाराष्ट्र कंट्रोल क्राइम कंट्रोल एक्ट ऐसे करके है, ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, राइट? या गुजरात को का है जहां पर पुलिस अगर पकड़ेगी तो अगर स्टेटमेंट दे दिया तो एडमिसिबल है. हाँ, राइट. आर्टिकल 20 वक्त बता दिया था कि मान लीजिए गुजरात क्राइम कंट्रोल जो एक्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट है, उसके तहत अगर पुलिस ने पकड़ लिया और अगर आपने स्टेटमेंट दे दिया तो एडमिसिबल है. बट सिंपली अगर पुलिस पकड़ लिया, अगर आपने स्टेटमेंट मांग लिया तो एविडेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो मान लीजिए कि यहां पर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास बहुत सारा पावर है टू मेक द लॉ एंड इट्स प्रोसीजर्स. नाउ यू कैन सी इन अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, राइट, the parliament and the state legislature is a very powerful to make the law, and supreme court cannot intervene whether law is just or not, whether law is reasonable or not, whether law is fair or not. Making sense? Samajh mein aa raha hai, right? Under the procedure established by law, you can see the parliament and state legislature is a very powerful. They can make law, any sorts of law and any sorts of its procedures. Supreme Court cannot intervene in that. Making sense? Fine. Now, if you look at, you know, in US, there is a due process of law. What is due process of law? ये समझ में आया? Procedure established by law. Policy को बिल्कुल आराम से पढ़िए, बिल्कुल आराम से. कोई जब speed की जरूरत होगी मैं खुद speed पकड़ लूंगा, ठीक है? मुझे बस प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आपको समझाना है, पढ़ाना है. पॉलिटिका है अप्लाई, पढ़ने में लाइफ में भी बहुत अप्लीकेबल है, ठीक है? तो बिल्कुल आराम से पढ़े, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. कोर्स खत्म हो जाएगा उसी के साथ, आप भी कोर्स खत्म करिए, अच्छे से पढ़िए, राइट? बट आराम से पढ़िए, कोई घबराने की भागने की जरूरत नहीं है, है ना? तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ समझ में आया क्या मतलब है इसका? And its procedures. Thank you. This procedure established by law, we have borrowed from Japan Constitution. If you look at Article 21, which says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except procedure established by the law. And you know, procedure established by law has been borrowed from Japan Constitution, and it means any law made by the parliament or state legislature, right? Now here you see the parliament and the state legislature is a very powerful, right? Judiciary cannot intervene into it. Now in US, what US follows? Due process of law. Likhe. Next point, likhe. The US polity follows
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, व्हाट डज इट मीन? तो आपको पता है कि यूएस में चलता है, राइट? अब यहां पर क्या है कि लॉ कौन बनाता है? लॉ तो बनाता है हमेशा लेजिस्लेचर बनाता है, बट हियर इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ द कोर्ट कैन डिक्लेयर वेदर द लॉ इज जस्ट और नॉट, वेदर लॉ इज रीजनेबल और नॉट, whether law is a fair or not. So any law framed by the parliament or a state legislature can be declared unconstitutional. By whom? The Supreme Court. So here you can see that in US polity, Supreme Court is more powerful, not the parliament or a state legislature. Right? सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, यस यस यस, अभी तक बिल्कुल फिट है, फिट बैठ रहा है कि इन यूएस द सुप्रीम कोर्ट इज मोर पावरफुल, बट इन इंडिया इट इज अ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर व्हिच इज मोर पावरफुल इन डिक्लेयरिंग व्हाट इज अ लॉ एंड व्हाट इज इट्स प्रोसेस। फाइन, अब होता क्या है कि 1978 में एक केस होता है, राइट? बड़ा केस का बड़ा फेमस नाम है, इस केस का नाम है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी का नाम सुने हो? कौन है मेनका गांधी? वरुण गांधी की मदर। यस, यू आर राइट, यू आर राइट, संजय गांधी की वाइफ, राइट? देयर इज अ मेनका गांधी केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक लॉ और द स्टेट लेजिस्लेचर हैज राइट टू मेक लॉ, बट दैट लॉ मस्ट बी fair, reasonable and just. Law cannot be fanciful, arbitrary. Now you will see in Indian polity we have moved from a procedure established by law towards the due process of law since 1978. Now if you look at, there are few law which framed by the government but undeclared unconstitutional by the Supreme Court. Making sense, right? So in polity, in literally sense, we follow the procedure established by law, but in practice the Supreme Court now has empowered itself. So now in practice we follow the due process of law. Itna samajh mein aaya? 1978 ke baad ek example aur deta hu. Farm law suna hai? Farmers law bana tha 2-3 saal pehle 19 mein, right? Farmers ne bahut protest kiya tha. Supreme Court ne kya kiya? Turant ek panel bithaya उसको ये करने के लिए, सो दैट सुप्रीम कोर्ट कैन इन्वेस्टिगेट। एक एक सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था, इट लॉ का नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, राइट? थ्रू दिस एक्ट जुडिशियल पार्लियामेंट हैज क्रिएटेड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट? अर्लियर क्या था? सुप्रीम पार्लियामेंट और सुप्रीम स्टेट लेजिस्लेचर पावरफुल था लॉ बनाने के लिए भी, लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए भी, नहीं लॉ बनाने के लिए, इंप्लीमेंट तो एग्जीक्यूटिव करता है। अब कौन है? सुप्रीम कोर्ट कैन लुक इनटू द लॉ वेदर लॉ इज अ रीजनेबल जस्ट और फेयर और नॉट। अगर लॉ, इफ लॉ इज नॉट फेयर एंड जस्ट एंड रीजनेबल, देन सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट लॉ एज अ unconstitutional, है ना? Supreme Court can declare a law which is a unconstitutional. So in theory we follow the procedure established by law, but in practice we moved towards due process of law. Indian Supreme Court is more powerful now than it was in 1950. Am I making sense? तो पहले इनका दबदबा था, अब Supreme Court का दबदबा हो गया है, right? If you look at the Supreme Court, na, Supreme Court has reinvented itself. उसने अपने आप को इतना powerful बना लिया इंडिया में। Indian Supreme Court is one of the most powerful institution in the world, I'm telling you. Supreme Court का, Indian Supreme Court का judgment का जो citation है, ब्रिटेन में दिया जाता है, यूरोप में दिया जाता है, अमेरिका में दिया जाता है कि देखो थर्ड वर्ल्ड ने ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो?
being first world, what you are doing? India had done this. India had done this. There are many judgment on Supreme Court judgment that is being cited by the other court of in the world. Making sense? ठीक है? अच्छा लिखिए due process of law. The U.S. polity follows due process of law. In due process of law. In due process of law, the legislature has right to frame the law. Legislature has a right to frame the law and its process. In the process, but the Supreme Court, in due process of law, the legislature has a right to frame the law and its process, but judiciary can declare law unconstitutional. Or unjust or unreasonable. Unreasonable. If the law is arbitrary or and fanciful. Fanciful. तो लॉ को कितना कैसा होना पड़ेगा? लॉ शुड बी जस्ट फेयर एंड इट मीन्स अ लॉ शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल. अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कौन दादा है यहां पर? सुप्रीम कोर्ट दादा है. ठीक है, तुम लॉ बना लो, हम देख लेंगे बाद में. मान लो कि कुछ लॉ बना दे लेजिस्लेचर, बट इसका अल्टीमेट चाबी किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चाबी है ना? तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में चाबी किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास. यहां पर किसके पास चाबी है? सुप्रीम कोर्ट के पास. समझ में आ गया दोनों डिस्टिंक्शन? फ्रेंकी क्लियर? राइट, क्या लॉ हमेशा लेजिस्लेचर बनाता है? लॉ दुनिया में कहीं भी लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर. ठीक है. किसको? There is a check and balance. Right? ये समझ में आया? एक पॉइंट और लिखिए, लिखिए. In 1978, the Supreme Court. Yeah, Supreme Court. In 1978, the Supreme Court in Menaka Gandhi, M-E-N-A-K, Menaka Gandhi versus Union of India, India case, held that the Supreme Court in Menaka Gandhi versus Union of India case held that the parliament or a state legislature, the parliament and a state legislature
कैन मेक लॉ तो लेजिस्लेचर ही बनाएगा, हाँ उसी के लिए बना है वो। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी, यू नो हम लॉ नहीं बना सकते हैं बैठ बैठ के, पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। सो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, बट दैट लॉ मस्ट बी, दैट लॉ मस्ट बी जस्ट फेयर, ये एफ है हाँ, फेयर एंड रीजनेबल। That law must be just, fair and reasonable. अब हम क्या हो गए, हम डाइवर्ट कर गए। The entire Indian polity has diverted from procedure established by law towards the due process of law. So in theory, article, if you look at the constitution, it says that we follow due procedure established by law, but in practice we follow the due process of law. तो दोनों में अंतर पता चल गया, राइट? दोनों में दोनों क्या क्या है पता चल गया, राइट? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चाबी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, और इन उसमें कौन है, लेजिस्लेचर के पास, चाहे सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास, राइट? समझ में आया? तो अब कोई भी सवाल मान लो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, समझ में आ जाएगा? तो तीनों में अंतर बताओ। रूल एक है रूल ऑफ लॉ, एक है प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तीनों में अंतर पता चल गया ना, मतलब चल जाएगा ना। मान लीजिए क्वेश्चन डालेगा, ऑब्जेक्टिव डालेगा, और रूल ऑफ लॉ मीन्स तीन चार दे देगा, आपको फंसा लेगा, ये लिख देगा एक या ये लिख देगा एक, और आप बिल्कुल टिक कर देंगे सब, लो 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 नहीं करेंगे, ठीक है मैं क्वेश्चन दूंगा, आई हैव क्वेश्चन, राइट? व्हेन टेस्ट लेंगे हम, आप है क्वेश्चन बना हुआ, और 80% लोग करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करेंगे तो ठीक है, सीखेंगे, अपने गलती से सीखना है आपको, सबने सीखना है अपने गलतियों से, है ना? गलती नहीं करोगे तो सीखोगे क्या, राइट? एनीवे चलिए, नाउ इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 21, इट यू नो, तो आर्टिकल 21 तीन चीज है, आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 कंसिस्ट थ्री थीम, जिसमें एक थीम हमने बात कर लिया, एक है राइट टू लाइफ, कंसिस्ट थ्री थीम, Article 21 consists three themes. One is right to life. Second is personal liberty, right to personal liberty. Personal liberty. और तीसरा है procedure established by the law. Procedure established by law, जिसका क्या मतलब है, we have already done. Procedure established by law का क्या मतलब है, हमने कर लिया है, discussion कर लिया. If you have any confusion, you can ask me. इसके बारे में, इसका due process of law, procedure established by law, we have declared. Now we have discussed right to life and right to personal liberty. दो चीजें हमें discussion करना है. Clear है तान्या, प्रिया, निकिता, अंशु, कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा. एक एक पेज, दो दो पेज डेली लिख के जाइए आराम से, इसी रिगार्डिंग अगर कुछ और हो तो गूगल पे पकड़ देखिए, राइट? और न्यूज़पेपर आर्टिकल जरूर पढ़िए इसके रिलेटेड अगर मिले तो. हाँ, जैसे मैंने कास्ट के ऊपर बता दिया, कल कास्ट के ऊपर एक आर्टिकल आया था टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में, नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा ना, नहीं टाइम मिलता, ठीक है बाद में मिल जाएगा, बाद में टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा, रिलेट करिएगा, राइट? ठीक है, न्यूज़पेपर, यस, द हिंदू. और क्वेश्चन था कि कैन वी थिंक ऑफ कास्टलेस सोसाइटी इन इंडिया, यू नो कास्ट इज अ वेरी मच फाउंडेशन इन इंडियन सोसाइटी, राइट?
we do marriage on the basis of caste, we dine on the, जब हम भोज करते हैं गांव में, शहर में तो नहीं, शहर में सब लोग बैठ के खा लेते हैं, गांव में क्या होता है जब भोज होता है ना, यू नो भोज, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड, कहां राजा, हाँ भोज नहीं सुना, कहां राजा भोज, तो भोज पहले होता है निमंत्रण, यस, गांव में भोज होता है निमंत्रण, बिहार में क्या होता है, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, राइट, तो वहां पे भोज होता है, भोज मीन्स यू इन्वाइट, राइट, टू विलेज, एक्चुअली यू इन्वाइट योर ओन कास्ट, राइट, प्रॉपर गांव में, प्रॉपर गांव में, सो यू इन्वाइट योर कास्ट, है ना, एक दो इधर उधर बुला लिया, दैट दैट इज डिफरेंट, नहीं भाई, गांव में सारे कम्युनिटी रहते हैं, एक गांव में एससी हमेशा बॉर्डर पे रहता है, राइट, एससी हमेशा सेंटर में कौन रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय, गांव के सेंटर में ब्राह्मण रहेगा, उसके बाद ओबीसी रहेगा, सबसे लास्ट में एससी रहता है, ये गांव का स्ट्रक्चर है पूरे इंडिया का, कहीं भी चले जाइए गांव में, राइट, अगर वो इन्वाइट करता है तो कास्ट बेसिस पे करता है इन्वाइट, दूसरे कास्ट को बोलता है कि आ जाना मेरे यहां काम कर जाना, काम करना, खाने के लिए मत आना, राइट, आता है तो खिलाता है ऑफ कोर्स, बट वो अलग से खिलाता है, साथ में नहीं खिलाता, राइट, और ना महिलाओं को बुलाता है, मैं तो कहता हूं मर्दों के लिए किया गया भोज, लाइक मेरे ऊपर बहुत लोग गुस्सा जाते हैं कि ये क्या बकरे हो, राइट, ऑफ कोर्स ओनली मेल कम्स, मेल कुक्स एंड मेल ईट्स, फीमेल रिमेन्स आउटसाइड ऑफ दैट एंटायर प्रोसेस, राइट, एनीवे, तो हमारा जो इवन फूड है इट इज अ कास्ट बेस्ड, यू नो देयर इज अ कास्ट विद इन द फूड, नहीं है, है, नॉन वेज खाना इवन स्पेशली इन सदर्न इंडिया इज ए कास्ट बेस्ड, ब्राह्मण्स नहीं खाते, इवन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण्स नहीं खाते, नहीं नहीं इवन डजंट मैटर, देखो चीजें बदली है, इट्स नॉट दैट इट इज नॉट चेंजिंग, बट बदली है, हमारे यहाँ तो भगवान जो पूजा करते वो भी खाते हैं और भगवान को भी देते, तू भी खा ले, राइट, बंगाल में पूजा वो भी खाते हैं और भगवान को भी देते, तुम भी खा लो, ठीक है, तो एक्चुअली कल्चर है अलग अलग जगह पे, anyway, तो कल कास्ट के ऊपर वो आया था, मैं कास्ट के ऊपर बोलने लग गया, हाँ बलि प्रथा है, अब यू नो बलि प्रथा, वो हाँ बलि प्रथा होता है, उसको दुर्गा पूजा के दौरान ही लोग बोलते हैं खाना खुद है, नाम उसका बेचारा मर कोई और, नाम किसका, भगवान का, कि तुम्हारे नाम पे मार रहा हूं और खाऊंगा मैं उसका, एनीवे कल आया था कि क्या कास्टलेस सोसाइटी पॉसिबल है इंडिया में, कास्टलेस सोसाइटी इज इट पॉसिबल, कांट वी रिमूव कास्ट, सॉरी हाँ इस कास्ट इज यू नो वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया अभिनव हाउ कैन बी ही सेड वी कैन हाउ कैन बी रिमूव कास्ट वी नीड टू एजुकेट पीपल फर्स्ट प्रिया इज सेइंग कैन एजुकेशन बी द सफिशियंट इंडिकेटर for removing caste, spread of ethics, but each caste has its own ethics, there is no universal ethics, there is no universal ethics na, yes. Each caste has their own ethics, right, jat ko pujo kyun main kyun dominant ho bhai to batayega ki main kyun dominant hu, main 6 foot ka hu, meri zameen hai itni, main bahadur hu, main kisi se lad sakta hu, mere paas ye quality hai to main जाट हूं, नहीं 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 ऑफ कोर्स यू आस्क ब्राह्मीन कि व्हाई यू आर ब्राह्मीन दे विल से यू
एंड बहुत सारे आर्गुमेंट देंगे. सो कास्ट हैज इट्स ओन इथिक्स, राइट? कि कोई कह रहा है स्टॉप अप्लाइंग कास्ट आफ्टर द नेम, सरनेम हटाने से कास्ट नहीं बदलेगा. व्हाट अबाउट इंटरकास्ट मैरिज? विल रिमूव दैट कास्ट? विल दैट इरेडिकेट कास्ट? कैसे? कास्ट चली जाएगी, कास्ट विल रीइंफोर्स इटसेल्फ. यस, यू आर राइट. यू आर इवन इंटरकास्ट मैरिज विल नॉट इरेडिकेट कास्ट. What it does, what it'll do, it will make the caste flexible. It will make the caste flexible. Right? Yes, yes, it will have a positive impact. Right? आप अगर matrimonial देखते हो कभी, देखा है कभी, उसमें क्या रहता है? Separate caste रहता है, right? उसमें एक छोटा सा column ये भी रहता है, जहाँ पर लिखा रहता है caste no bar. पढ़ा है कभी क्या? Is it not that positive sign? I think that is a positive one. Yes, Shivani, bolo. Sir, कभी-कभी तो educated people भी करते हैं sentiment के कारण, क्योंकि जब intercaste marriage हो जाता है, तो उनको ये लगता है ये मेरे father की caste है, तो मैं इसको आगे बढ़ूँ, तो वो emotionally भी कुछ रहता है वो, और ये ideological practice है, तो ये एक कोई बंद कर सकता है, लेकिन वो एक जो दो लोगों को सिखाएगा, उनमें से एक लोग सीख जाएगा, फिर वो और आगे बढ़ाता जाएगा, तो ये तो बहुत मुश्किल है कम करना, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है. इम्पॉसिबल भी नहीं है, बट फ्लेक्सिबल तो हो ही सकता है. जो कास्ट 50 इयर्स से गो था, जो कास्ट सिस्टम 100 इयर्स से गो था, वो आज नहीं है. मच हैज चेंज्ड रिगार्डिंग कास्ट. स्लोली कम हो सकता है, लेकिन एकदम इम्पॉसिबल नहीं. इट कैन बी फ्लेक्सिबल, राइट? जो मैं एग्जांपल दिया एक मैट्रिमोनियल का, एक मैट्रिमोनियल में एक छोटा सा कॉलम रहता है, बहुत ही छोटा कॉलम रहता है, जहां पर लिखा रहता है कास्ट नो बार. नो, फॉर मी इट्स ऑक्सीजन, राइट? जहां पर आप मतलब अगर इफ यू डोंट बिलीव इन कास्ट, इफ यू डोंट फॉलो द ट्रेडिशंस एंड यू लिव, देन यू हैव सम स्पेस. एनीवे, सॉरी, फायदे हैं कास्ट के. क्या फायदा है बताओ? फायदा जो मैं दिखा रहा हूँ वो कास्ट कंसोलिडेशन है. रिजर्वेशन तो इसलिए दिया जा रहा है कि डिसएडवांटेज को फुलफिल करने के लिए, अदरवाइज रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है. अगर कास्ट कास्ट बेस पे सोशल ग्रुप डिप्राइव्ड रहा है, इसीलिए कास्ट बेस पे दिया गया है, ठीक है? अदरवाइज कास्ट का एक अगर फायदा है तो कंसोलिडेशन एंड कल्चर, राइट? क्योंकि कल्चरल क्लास भी बहुत बड़ा एजेंडा है, यू नो. अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया और आपका कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो हर दूसरे दिन पे, पहले दिन पे झगड़ा होगा, राइट? बट अगर दो लोग समझदार हैं तो ऑफकोर्स सबको साइड रख दो. एनीवे, कल का न्यूज पेपर पढ़ना बहुत अच्छा था. इट वॉज अ गुड पीस ऑन कास्ट. Right, so since we have talked about a lot on caste, we talked about a lot on reservation. आप लोग देख सकते हैं newspaper. चलो हम करते हैं अब right to life के ऊपर. Right to life. अच्छा, ये life किसने दिया? God ने दिया या nature ने दिया? How many of you believe that the God has given me birth? तो मैं देखो, मैं ऐसा रिजेक्ट नहीं करूंगा कोई भी आर्गुमेंट. ये भी आर्गुमेंट सही है कि गॉड हैज गिवन बर्थ टू एवरीवन. सम वन बिलीव, देन व्हाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट देयर आर सम ट्रुथ इन दैट स्टेटमेंट. बट सम वन सेज कि नो, नेचर हैज गिवन बर्थ टू एवरीवन, देयर आर ट्रुथ. कोई चीज कंप्लीटली रॉन्ग नहीं होता, कोई भी चीज कंप्लीटली गलत नहीं होता. There are different types of opinion about one idea, right? And each opinion has certain element of truth. Certain element of truth. नहीं? कौन था गॉड से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते थे? देखो तो है वो, हाँ, मैं गॉड में मतलब ब्रह्मा जी थे. हाँ, देखो ये सब क्या है, स्टोरी है, राइट? दीज आर द स्टोरीज एंड गुड स्टोरीज,
महाभारता रामायण आप पढ़िए, आपने सी राजा गोपालाचारी का नाम सुना है? सी राजा गोपालाचारी हैज रिटन अ बुक कॉल्ड रामायण, कभी पढ़े हो रामायण और महाभारत? राइट, सो इट्स इफ यू लुक एट द एंटायर महाभारत एंड रामायण, दे आर द स्टोरी, फॉर मी इट्स अ स्टोरी एंड देर आर गुड स्टोरीज, देर आर गुड स्टोरीज, फिक्शनल स्टोरीज, नॉन फिक्शनल स्टोरीज बहुत सारे हैं, एंड यू कैन नॉट यू नो थिंक कि एक स्टोरी बिल्कुल सही है, पार्ट ऑफ थिंग दैट मे बी पार्ट ऑफ अ स्टोरीज इज ओके, बट आई कैन नॉट यू नो एब्जॉर्ब एंटायर स्टोरी, राइट? अगर अभी अभी एक मंदिर में स्टैम्पेड हुआ, यू नो अभी एक मंदिर में स्टैम्पेड, वैष्णो देवी नहीं, अभी कहीं पर यहाँ पर एमपी में इंदौर के पास, नहीं इंदौर के पास, इफ आई दीवानी यू रिमेम्बर यू विल आई थिंक यू विल बी मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट स्टैम्पेड, नो स्टैम्पेड नहीं, वो छत गिर गई, लोग मर गए ना, स्टैम्पेड नहीं हुआ, छत गिर गई। मैं बताऊं अगर क्या इतने लोग सब जितने लोग छत पे थे, क्या भगवान चाहते थे उसको मार दूं उसी दिन? यार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, छोड़ो मारो, बोलो, बड़ा डिबेट हो जाएगा, राइट? एनीवे, नाउ इफ यू लुक एट राइट टू लाइफ, अर्लियर पीपल हु यूज्ड टू बिलीव दैट लाइफ हैज बीन गिवन बाय द गॉड। इंदौर, इंदौर की बात कर रहे हैं क्या? यस यस, इंदौर की ही बात कर रहा हूं। इंदौर में ही हुआ है, एक मंदिर में पूरा का पूरा छत, एक छत कोलैप्स करके बहुत लोग खत्म हो गए, है ना? या स्टैम्पीड हो जाता है। एनीवे, चलो, ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि लाइफ हैज बीन गिवन बाय द गॉड, वेरी मच ट्रेडिशनल। यूरोप में अब नहीं है ये, यूरोप में मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि लॉ दिस नेचर हैज गिवन बर्थ टू एवरीवन एंड नेचर हैज क्रिएटेड एवरीवन इक्वल, दिस इज मॉडर्न थिंकिंग। फ्यूडल थिंकिंग है, गॉड हैज गिवन बर्थ टू एवरीवन एंड देन गॉड, गॉड ने ब्राह्मण को ऐसे बनाया, गॉड ने ब्राह्मण को क्षत्रिय को ऐसे बनाया, गॉड देन आप सब कुछ गॉड के हिसाब से एक्सप्लेन करते हो, वो बड़ा ही फ्यूडल है ना? मॉडर्न थिंकिंग है कि नेचर हैज गिवन बर्थ टू एवरीवन, फाइन, एंड एवरीवन इज इक्वल। राइट टू लाइफ इज अ यू नो अ नेचुरल राइट। अगर नेचर ने जन्म दिया है तो नेचर ही उसको खत्म करेगा, वो नेचुरली खत्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आके उसको मार दे, या एक इंसान खुद भी अपने आप को नहीं मार सकता। लेट मी टेल यू, एक इंसान अपने आप को भी खुद नहीं मार सकता, बिकॉज उसने खुद अपने आप को क्रिएट नहीं किया है। किसने क्रिएट किया है? नेचर ने, तो नेचर ही उसको नेचुरली तरह से वो डीके होगा। सो नो इंडिविजुअल हैज राइट टू destroy the other life, right? Right to life is a natural right, and right to life involves many rights. For example, right to eat, right to speech and expression. Then you said right to sleep also. Right to sleep is also. चार दिन सोने नहीं दिया तो पता चले क्या क्या फर्क पड़ता है? अब देखो criminal को पकड़ते हैं जब, तो उसको सोने नहीं देते कितने दिन तक? Torture करते हैं. That is against right to life. That is against right to life. Right, and now if you look at right to life is a negative right. Negative right का क्या मतलब है? No one can take it away from me. No one, because no one has produced me. Nature has produced me. और nature जब चाहेगा, earthquake हो जाएगा, मर जाऊंगा, ठीक है? Right? या बुढ़ा होके मर गया तो ठीक है. But even I should not, you know, smoke ganja so that मैं मर जाऊं. No. I have right, but I have also responsibility to take care of my body, to take care of my health. Are you getting my point? Yes. So I have right to life, and that life cannot be taken away by anyone, including myself. Right? And right to life includes lots of right. Right to food, right to drink, right to sleep, right to, you know, roads in a hilly area, right to, you know, if you look at Supreme Court has expanded these rights, right? Right to speedy trial is also right to life, right? Right to dignity is also right to life, under right to life. Right to education is also right to life, right? Right to pollution free air and pollution free water is also right to life. Right to walk is also right to life. Right to marry is also right to life, right? So if you look at right to life has been expanded by the Supreme Court,
and Supreme Court had, you know, included a number of rights, a number of rights. करीब करीब कम से कम 50 rights है इसके अंदर. Right to life के अंदर. Right to shelter is a natural right. ठीक है. So थोड़ा सा लिखते हैं. लिखिए. हाँ पूछिए. वेरी गुड क्वेश्चन. लुक एट व्हाट ही इज सेइंग कि दोनों प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि लॉ बनाने वाला अथॉरिटी कौन है? लेजिस्लेचर. बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करता है. इट मीन्स लेजिस्लेचर इज सुप्रीम इन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय law. But when it comes to due process of law, Supreme Court is supreme. Pata hai na chabi kiske paas hai? Supreme Court ke paas, due process of law mein. A Supreme Court can declare that law unconstitutional if that law is not reasonable, just and fair. Yahan par Supreme Court nahi kar sakta kuch. Kuch bhi law banega parliament, exactly. Kuch bhi bana dega. Sabko arrest kar lo, sabko arrest kar lo. Supreme Court kuch nahi bolegi. ठीक है. क्लियर? एनी मोर डाउट? शुड आई स्टार्ट राइट टू लाइफ? थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें. लिखिए. राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट. नेचुरल राइट मीन्स नेचर हैज प्रोड्यूस्ड एवरीवन, राइट? नेचर हैज गिवन बर्थ टू एवरीवन. इट्स अ नेचुरल राइट. इट नेचुरल राइट No, it involves various rights like right to food. अब किसी को fruit खाना है तो खाएं, किसी को non-veg खाना है खाएं, right? So what right to food, right to health, right to shelter. राइट टू स्लीप है ना, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर, एयर एंड वाटर, राइट? राइट टू रोड. आप मान लेंगे कि अगर आप जाएंगे हिली एरिया में तो रोड नहीं होती है, तो वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर राइट टू रोड इन हिली एरिया इज अ fundamental right, include, you know, under right to life. Right to road in hilly areas, right to speedy trial, right to speedy trial, right to shelter like diya, right to speech. That is also part of right to life. Right to walk. Right to property is also essential to life. Without property, how life kya hoga? But it is a legal right. It is a legal right, but it is a natural right. Yes. It is a natural right. Now, it is not fundamental right in India because judiciary has converted into, transferred into the legal right. 300. So, but ये natural right है. Right to marry is a natural right. Yes, this is a right under right to speedy trial. Okay. Now, this is called, you know, it is a negative right. It is a it is a negative right. अब negative right मतलब क्या है? इसका क्या मतलब समझे? Negative मतलब negative sense नहीं. या नेगेटिव का मतलब है जैसे कि ब्लड का मतलब नेगेटिव ब्लड, किसी का बी नेगेटिव है तो बड़ा ही प्रीशियस होता है, पता है आपको? इट इज नॉट अवेलेबल, राइट? अगर कोई कोविड नेगेटिव है तो बड़ा ही अच्छी बात थी. कोविड नेगेटिव है तो कितना, अगर पॉजिटिव होता बिल्कुल वो, अरे यार आतंक थी, यू नो, यू रिमेंबर द फर्स्ट वेव? लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे,
मैंने खुद 6 मंथ तक अपना दरवाजा नहीं खोला, मतलब दूसरों से बात करने के लिए गया, सब्जी ली और भाग के आया। राइट और किसी के ऊपर दिल्ली में बहुत हॉरर था। क्यों हॉरर था? एक तो वो पॉजिटिव है तो हल्ला मच जाता था, पॉजिटिव है, और दूसरा दिल्ली पुलिस ना उसके घर पे बड़ा चिपका देती थी, बड़ा सा पोस्टर, राइट, कि नोबडी शुड कम, दिस इज वेरी बैड। कौन? देखो मेट्रो में कुछ चीजें मतलब फेक वीडियो था, कुछ चीजें था। अब बहुत लोग मजे भी लेते हैं, पता है, बहुत लोग मजे भी लेते हैं और सर्कुलेट करते हैं। तो व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, नॉट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ऑल इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, बट एनीवे नेगेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, कोविड नेगेटिव होना, सो नेगेटिव राइट होना बड़ी बुरी बात नहीं है। नेगेटिव राइट इज एसेंशियल, दैट इज नथिंग रॉन्ग विथ नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी है जहां पर कोई स्फेयर वेयर नो कैन इंटरफेयर यू, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर, फॉर एग्जाम्पल राइट टू स्लीप, नो वन कैन हिंडर यू इन स्लीपिंग, है ना, यू आर फ्री टू स्लीप। घर वाले तो चप्पल जूता मारते हैं बस, हाँ नहीं मारते हैं, चप्पल जूता तो नहीं मारते, नहीं, फैन ऑफ कर देते हैं या पानी डाल देते हैं, वो अति है। एनीवे सो गॉट द आइडिया, नेगेटिव लिबर्टी इज वेरी एसेंशियल। नेगेटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव राइट्स आर वेरी एसेंशियल। राइट टू स्लीप इज अ राइट सर, यस राइट टू स्लीप इज योर फंडामेंटल राइट, राइट सिक्योर्ड अंडर आर्टिकल 21। नेगेटिव राइट्स ऑलवेज पुट्स लिमिटेशन ऑन द स्टेट, लिमिटेशन ऑन द सोसाइटी, लिमिटेशन, फॉर एग्जाम्पल राइट टू मैरी इज अ नेगेटिव राइट। इंडिविजुअल कैन डिसाइड टू हूम विथ ही और शी हैज टू मैरी, नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट, नाइदर स्टेट नॉर सोसाइटी नॉर family. So if you look at, it is your obligation on the state not to intervene. You can write, it is obligation. यहाँ पर एक और लिख लीजिए, it is a negative obligation. It is a negative obligation on the state not to intervene in negative rights and liberty. Not to intervene in negative rights and negative liberty. It is a very much a scarce resource. Negative जो liberty है ना, scarce resource है, हमें protect करना चाहिए उसको, right? It is a scarce resource. हाँ सर, हाउ राइट टू मैरी इज नेगेटिव राइट, बिकॉज समवन वांट्स टू मैरी दे कैन, दोज हु डोंट वांट टू मैरी दे, नो नो, यू हैव राइट टू मैरी और नॉट टू मैरी, इट इज योर डिसीजन। टू हुम यू हैव टू मैरी, इट इज योर डिसीजन। फैमिली, सोसाइटी और स्टेट शुड नॉट फोर्स यू, दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव राइट। या नो वन कैन इंटरवीन और इंटरफेयर इन वंस राइट टू मैरी। मन करेगा तो शादी करेंगे, नहीं मन करेगा तो शादी नहीं करेंगे, राइट? मन करेगा तो हम गे बन के रहेंगे, मन करेगा तो शादी करेंगे, ठीक? दैट इज, इट्स कॉल्ड वे ऑफ लाइफ, यू नो, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी ऑफ टेस्ट। मैं अभी थोड़ी सुबह में पढ़ा हूं लिबर्टी, देयर आर कॉल्ड लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ टेस्ट। लिबर्टी ऑफ टेस्ट मतलब जिसको जो खाना पीना हो खाए पिए, उसमें दूसरे को हार्म नहीं हो रहा है, जिसको जैसे जीना हो उसको वो जिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दूसरे को हार्म नहीं कर, सॉरी, लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, बिकॉज स्टेट ऑलवेज ट्राई टू इंटरवीन इन योर लिबर्टी।
This is that's why a scarce resource. Not only state, the society also wants to intervene in your liberty. Family wants to intervene in your liberty. बेटा किससे शादी करोगे? हाँ कहाँ का है, कैसा है, कितना पैसा कमाता है, कौन से जात का है, हाँ माँ बाप क्या करता है, कितना इंटरवेंशन है सोसाइटी का और फैमिली का. सो दैट्स व्हाई इट्स अ स्कार्स रिसोर्स, राइट? इफ यू लुक एट नॉट ओनली सोसाइटी, फैमिली ऑल्सो ट्राई टू इंटरवीन इन योर ओन लिबर्टी. हाँ बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई. बेटा किससे फोन पे बात कर रहे हो? हाँ है ना बेटा, ये खा लो, है ना. एंड यू सेड कि मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी. नहीं नहीं बेटा खा लो, आज क्या करोगी, आज ऐसे हाँ ऐसे खा लो, ऐसे खा लेते हैं लोग. दैट्स व्हाई स्कार्स रिसोर्स. वी शुड प्रोटेक्ट लिबर्टी, राइट? एंड वी शुड प्रोटेक्ट फॉर आवरसेल्व्स. ईच इंडिविजुअल शुड प्रोटेक्ट देयर ओन लिबर्टी. अदरवाइज क्या होगा पता है? एक दूसरे के लिबर्टी में अगर इंटरवीन करना शुरू कर दोगे तो बड़ा ही मतलब यस इट विल लीड टू एनार्की. फाइन, गॉट द आइडिया? सो इट्स दैट्स व्हाई इट्स अ स्कार्स रिसोर्स. गॉट द आइडिया? नाउ इफ यू लुक एट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इफ यू लुक एट ड्यूरिंग यू नो फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट और यू नो इमरजेंसी, या इमरजेंसी यू नो 1975 to 1977 दैट इम्पोज बाय इंदिरा गांधी, राइट? सो ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट और इमरजेंसी यू नो देर वॉज अ थ्रेट फ्रॉम द स्टेट, राइट? देर वॉर थ्रेट from state, right, on individual liberty. On individual liberty. समझ में आया? negative liberty, negative rights, a certain rights which must be protected, right? State should not intervene, society should not intervene, and फैमिली शुड नॉट इंटरवीन. बट अगर कह दो कि सर मैं फास्ट रखूंगी, ठीक है, इट्स योर 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 व्यू, यू शुड कीप फास्ट, राइट? बोलो सर मैं फास्ट तब तक रखूंगी जब तक मैं मर ना जाऊं. फास्ट ऑन टू डेथ, सुना है ना? गांधी इज अप्लाइड सेवरल टाइम, राइट? हाँ राइट, हाँ बोलो मैं अनसन कर लूंगी. क्या वो राइट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? या देर आर मेनी पीपल हु आर लिविंग ऑन पावमेंट. आप देखे होंगे रोड पे रह रहे हैं, उसको खाना नहीं मिलता है, है ना? उस कभी स्कूल उसका बच्चा नहीं देखता है, राइट? क्या वो लिबर्टी है? बोले सर उसका मर्जी है वो रोड पे रहता है. नहीं, वो कंपल्शन है. So what is positive liberty or positive rights? Nahin. Positive and positive liberty and positive rights demand a state intervention. Demand or is requires a state intervention. To provide welfare. To provide welfare. So that individual can enjoy freedom. For example, state can, you know, provide health, education, pension, employment. Exactly, DPSP. So look at the DPSP is a positive rights and liberty. This is negative rights and liberty. Positive rights and positive liberty refers to a state intervention. So to create welfare state, to ameliorate, to betterment for the people. To provide health, to provide security, to provide, you know, education, pension, right? Are you getting my point? So positive rights, positive, for example, if you look at DPSP, it is a positive, right? For example, Article 21 bane, 21A dekhenge to ye positive hai. Because right to education has been provided under Article 21.
स्टेट हैज इंटरवीन्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैंडेटरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरीवन फ्रॉम सिक्स टू, कितना एज है, फ्रॉम सिक्स टू फोर्टीन. दिस इज अ पॉजिटिव राइट. द स्टेट इंटरवेंशन इज वेलकम. यू नो वी वांट अ स्टेट इंटरवेंशन नॉट इन दिस जोन बट इन दिस जोन. वी वांट अ स्टेट इंटरवेंशन इन आवर लाइफ बट नॉट इन दिस जोन, नेगेटिव जोन बट इन पॉजिटिव जोन. स्टेट मस्ट इंटरवीन टू क्रिएट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, टू बेटर यू नो टू यू नो फुलफिल द जेंडर गैप. आपको पता है जेंडर गैप इंडेक्स क्या है इंडिया में? बहुत बुरा हाल है जेंडर. हमारे यहाँ पर महिलाओं का बहुत बुरा हाल है. डोंट कंसिडर यू नो योर सेल्फ कि मैं जैसे हूँ वैसे मैं भारत की महिलाओं का हाल है. नहीं, भारत में महिलाओं की हाल बहुत बुरी है. जेंडर गैप इंडेक्स पता है ना, अभी आया है जेंडर गैप इंडेक्स, एग्जैक्टली 126 या 125 है ऐसे आउट ऑफ 146, राइट. एनीवे, मैं यहां दो चीज समझाना चाह रहा हूं. मैं समझाना चाह रहा हूं नेगेटिव राइट्स को समझिए. मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं राइट्स में, नेगेटिव राइट्स क्या होता है, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, बट प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाकर फिर से समझा रहा हूं. नेगेटिव राइट्स आर दोज राइट्स ऑन व्हिच स्टेट कैन नॉट इंटरवीन, neither society can intervene nor family can intervene. Individual is free to do as he wishes best, right? Because individual is has a reason. Man is a rational being, hai na. Usko pata hai ki main kisse shaadi karunga ya kya kaam karunga, main music bajaun ya matlab restaurant khulun. He knows. State should not intervene ki tum bansuri bajao और तुम ढोलक बजाओ, ये लो और बजाओ मृदंग. नो, इंडिविजुअल इज फ्री. सो दैट इज नेगेटिव राइट, अ जोन ऑफ राइट, अ डोमेन ऑफ राइट वेयर इंडिविजुअल, वेयर अ स्टेट, सोसाइटी और एनी प्राइवेट, इवन चर्च और टेंपल कैन नॉट इंटरवीन. दिस इज वेरी सैंक्रोसैंक्ट. नेगेटिव राइट्स इज वेरी सैंक्रोसैंक्ट. बट होता क्या है, स्टेट ट्राइज टू इंटरवीन. If you look at this, nature of state होता है, जो state का जो nature होता है ना, if you look at, always tended to threat your liberty, होता है, right? But in democracy, we have to protect these rights, this negative rights. What is the positive rights? You know, if you look at the condition of any country, आपको पता है fourth world, अच्छा first world, second world, third world पता है आपको लोगों को? Yes, क्या होता है first world? The first world is developed country. Very correct. Like US, like you know, European country, UK. Second world किसको बोलते हैं? Less developed. So all socialist country were called as a second world till 1991. But if you know, due to the collapse of the USSR, second world does not exist now, right? ज़्यादा refer में आता नहीं है. What about third world? Developing country, yeah. The third world is, you know, countries of Asia and Africa, right? Actually, Asian African country became independent after the World War II, है ना? Do you know fourth world? सुना है कभी fourth world के बारे में? Fourth world exists also in US and in UK. What is fourth world? नहीं सुना है? बताता हूँ क्या है. देखो 1950 के बाद एक मार्केट में बूम आया है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में 1990 के बाद. नाउ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एन एंटायर मार्केट हैज बेनिफिटेड ऑल, बट देर आर पीपल हु हैव नेवर एंटर्ड इन द मार्केट, नेवर बेनिफिटेड, राइट. देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल who have never been benefited from that market process, right? And they remain deprived. They will live in jhuggi, or they may live in simple one car, ek car jaisa ghar hai unka. Agar aap dekhoge London mein bhi bahut aise log hain jo keval ek ghar, poverty is there, extreme poverty is there. If you look at the, you know, that US, there is a poverty. If you look at Europe, there is a poverty. If you look at India, there is a poverty. So this poverty, this poor
has made a world everywhere you can find, right? And this world has been produced by the entire globalization, right? They had never been included under this transaction of liberalization, privatization, and globalization. No scheduled tribe. No, anyone can be the part of the fourth world. अगर आप देखोगे जापान में भी slums हैं, you know, जापान में भी है, इंडिया में भी है. आपको लंदन में slums नहीं है, but लोग एक बस या एक उसमें रहते, पता है? Shelter. पोटेस टाइप नहीं, एक गाड़ी में अपना घर बना लिया. गाड़ी तो रखना बहुत जरूरी है, आप यूएस में रहते हो ना, गाड़ी उसी में ही रह लिया, उसी में जिंदगी काट ली, राइट? वहीं पर कुछ बजाया तो मांग लिया, वैसे भीख ऐसे नहीं मांगते, दे दो जी कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, नहीं, वहां पर कुछ आपको परफॉर्म करना होता है और फिर वो देते हैं. तो ये जो दुनिया है ना, जो ग्लोबल मार्केट ने प्रोड्यूस किया है, इसको कहते हैं फोर्थ वर्ल्ड. समझ में आया? फोर्थ वर्ल्ड किसको कहते हैं, राइट? इसी फोर्थ वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए ये चाहिए. देखो, मार्केट ने जो प्रोड्यूस किया है ना, वल्नरेबल लोगों को प्रोड्यूस किया है. दे लिव ऑन पेवमेंट बिलो द यू नो फ्लाईओवर. देखे होंगे रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द इंडिया में, दिल्ली में यू मस्ट हैव फाइंड ऑफ द सच काइंड ऑफ पीपल, जिसको पेवमेंट ड्वेलर्स भी बोलते हैं, जिसको होमलेस भी बोलते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, दे आर पार्ट ऑफ द फोर्थ वर्ल्ड. And you know, that's why state needs intervention. Nah? There is a, you know, state intervention to provide welfare to those people, to provide shelter, to provide education, to provide health, so that people can understand the true meaning of freedom. Otherwise, जब भूख लगी होती है ना, तो freedom का कोई value नहीं है, है ना? मैं यहाँ इतना भाषण दे रहा हूँ freedom के ऊपर, है ना? एक भाषण देना और भाषण सुनना दोनों लग्जरी है लिबर्टी को, फ्रीडम को लेकर के. जब आपके पेट में भूख लगी रहेगी तो आप नहीं सुनोगे, आप जाओगे दूसरे जगह काम ढूंढने, या कोई दूसरा जाएगा. अगर चार दिन काम नहीं मिले, पांचवा दिन वो चोरी करेगा, पक्का करेगा वो, क्योंकि वो और उपाय नहीं है उसके पास. अगर चार दिन काम नहीं मिला, अगर उसके घर में बच्चे भूखे हैं, राइट, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा तोड़ मारेगा जो अपने बच्चों को बचा ले, राइट? सो इफ यू लुक एट द यू नो पॉजिटिव राइट्स एंड पॉजिटिव लिबर्टी रिक्वायर्स स्टेट इंटरवेंशन टू प्रोवाइड वेलफेयर ऑफ द पीपल, स्पेशली द वल्नरेबल, स्पेशली द पुअर, मार्जिनल क्लास, राइट? इफ यू लुक एट द एंटायर डीपीएसपी टॉक्स अबाउट पॉजिटिव राइट्स. Why Thailand is a second world country and India is a third? Thailand is a second world. Who told you that? Thailand is a part of prismatic society. It must be part of the third world, Priya. It must be, I don't know clearly. It's second world. Achha, main dekhta hun. Was it part of USSR alliance? Then it can be. No. कैसे होगा सेकेंड वर्ल्ड? तो उसी को कहते हैं, ईस्टर्न यूरोप और यूएसएसआर को जो थे. फ्लॉड डेमोक्रेसी इज समथिंग डिफरेंट. फ्लॉड डेमोक्रेसी इज समथिंग डिफरेंट. समटाइम्स आई विल टीच यू डेमोक्रेसी, डोंट वरी. मे बी ड्यू टू कम्युनलिज्म और चाइनीज इन्फ्लुएंस. पार्लियामेंट के टाइम पे, पार्लियामेंट टाइम भी से. वो बड़ा ही अजी ऐसा है डिफरेंस. थर्ड वर्ल्ड है कि दोज कंट्रीज हु बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉलोनियल वर्ल्ड. जो कॉलोनी था, लैटिन अमेरिका वाज अ कॉलोनी, एशियन कंट्रीज वर कॉलोनी, अफ्रीकन कंट्रीज आर वर कॉलोनी. सो दोज इवन अमेरिका वाज कॉलोनी, यस, बट अमेरिका डज नॉट कम अंडर द थर्ड वर्ल्ड, राइट? बिकॉज ऑफ दिस प्रोस्पेरिटी. चलो, एनीवे, सो लॉट लेट मी टॉल अबाउट. यस, अच्छा, यहां समझ में आया, मुझे ये समझाना था. पॉजिटिव राइट्स नेगेटिव राइट्स में समझ में आया? स्टेट इंटरवेंशन नहीं करेगी पॉजिटिव राइट्स में, स्टेट इंटरवेंशन करेगी. क्यों करेगी? वेलफेयर के लिए. एग्जैक्टली, गुड.
आई होप नाउ यू हैव यू नो अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉजिटिव राइट्स व्हाट इज नेगेटिव राइट्स. ऐसा ना नेगेटिव राइट्स पॉजिटिव राइट्स, नेगेटिव राइट्स सर बेकार है, पॉजिटिव राइट्स बहुत अच्छा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है ना. एग्जैक्टली कोई अगर पूछो नेगेटिव राइट्स पॉजिटिव राइट्स सर ये बहुत गड़बड़ है इसीलिए नेगेटिव राइट्स है, ये पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव बहुत अच्छा है पॉजिटिव. नहीं नेगेटिव इसलिए है कि स्टेट इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, लिबर्टी लाइसेंस नहीं होता है. देखिए राइट मतलब राइट होता है, एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है. आई हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट आई हैव नॉट राइट टू अब्यूज एनीवन. रिस्ट्रिक्शन अंदर से आना चाहिए बिकॉज आई हैव अ रीजन. अगर मैं रीजन नहीं है, मैं गाली देना शुरू कर दूं यहां पर तो मुझे तुरंत भगा देंगे यहाँ के लोग, बोलेंगे सर क्या आप क्लास में जाके गाली बकते हो लोगों को, स्टूडेंट ने कंप्लेन किया है, नौकरी चली जाएगी मेरी भाई. आई हैव रीजन ना, व्हाट शुड आई स्पीक व्हाट शुड आई नॉट. सर गोइंग टू स्कूल अगेंस्ट आवर desire, is it is a positive right or negative? See, sometimes what happens, you have gone to in gray area. Kya hota hai, you know, the unmature person has no negative rights. Let me tell you, unmature person has no negative rights. Let me, for example, child is unmature na, wo bolega ki main nahi jaunga school ji, ab mummy mujhe school nahi jana hai, papa mujhe school nahi jana. Does it mean that the child should not intervene? उसको स्कूल ना जाने दो? नहीं. लेकिन के बाद, generally जो legal term है, पांच साल में नहीं जाऊंगा स्कूल बोलते हैं ना, तो क्या वो negative rights है? नहीं भाई. और मान लीजिए दूसरा, अगर इंसान insane है, पागल है, उसके पास भी negative rights नहीं है. अगर इंसान इंसेन है, इंसेन मतलब अनसाउंड माइंड है, देन हु नो हाउ यू नो दे डोंट हैव. मान लीजिए कोई, देर आर पीपल हु कैन बी टेकन केयर बाय द अदर्स लाइक सर्टिफाइड मैड, उसके पास भी नेगेटिव राइट्स नहीं है. तो देर आर सम एक्सेप्शंस, आप उस ग्रे एरिया में घुस गए. ठीक है शिवानी, कि क्या बच्चा अगर नहीं चाहेगा कि स्कूल ना जाऊं तो क्या उसको नहीं जाने दिया जाए? जैसे बच्चा बोलेगा मेरी शादी, मुझे शादी करनी है, तो 12 साल में बच्चा बोले मुझे शादी करना है अपने क्लासमेट के साथ, तो क्या शादी करने दिया जाए? नहीं भाई, होता है ना, एंगेजमेंट तो हो सकती है ना. शादी 18 के बाद करा दो. डिपेंड्स. हाँ अब बच्चे चोरी छुपे करते हैं बहुत कुछ, मतलब यू नो एंगेजमेंट की बात कर रही है तो शादी भी हो जाती है चोरी छुपे, भाग के शादी कर लेते हैं. It's not good, right? You pursue your parent, right? You have rights, but at time, you have obligation, you have duty, certain duty. Exactly, moral obligations. Acha, ye samajh mein aaya? Negative rights, positive rights. Now let me move to declare, you know, define what it is all about. So during freedom movement or emergency, there were threat from a state on individual liberty. In order to protect individual liberty, many civil society groups emerged. बहुत सारी सिविल सोसाइटी ग्रुप आ गए लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए. लाइक ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट और इमरजेंसी देयर वर अ थ्रेट फ्रॉम अ स्टेट ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी. इन इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट, देखो एक ही साथ ना दिमाग में इतना चीजें घूमता रहता है. यस, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी मेनी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इमर्ज्ड, लाइक People's Union of Civil Liberty. Yeah.
पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, PUDR, पीपुल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं, राइट? ETC, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप आए। अगर मान लीजिए आप अरेस्ट हो जाते हैं किसी भी वक्त, आपकी लिबर्टी को हार्म हुई है, यू कैन अप्रोच टू लॉयर, यू कैन अप्रोच टू सिविल सोसाइटी ग्रुप एंड दे विल प्रोटेक्ट यू। देयर इज अ नालसा प्रोविजन, यस यस, वो जुडिशरी में जब करेंगे। हाँ, प्लीज लिस लाइक नाल, देयर इज अ नालसा एक्ट and that protects, I think, transgender rights. Exactly. For example, below poverty line. Yes, NALSA Act is to protect the legal right of the, you know, poverty line, BPL people. So you have free legal aid, Anna? Yes, sir. That is DPSP. वो अलग है। अच्छा, ये समझ में आया? Freedom movement के दौरान भी state खूब curb करती थी liberty. इमरजेंसी के बाद आप देखेंगे, इमरजेंसी के दौरान स्टेट इंटरवीन्ड इन इंडिविजुअल लिबर्टी। स्टिल इफ यू लुक एट टुडे, इफ यू लुक एट टुडे टुडे कंटेम्पररी टाइम, द स्टेट हैज एक्चुअली इंटरवीन्ड इन इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट? इट हैज मिसयूज्ड लॉ एंड इट हैज यू नो इन्वेस्टिगेटेड मेनी पीपल। फॉर एग्जाम्पल, इट यू नो इट अप्लाइड CBI, ED, है ना? समझ में आया? राइट राइट, देखिए, इन 1980 टाइम हो गया क्या? नहीं ना, अच्छा, इन 1980 PN भगवती, सुना है नाम PN भगवती का? PN भगवती, actually, you know, he started new thing, that is PIL, public interest litigation. Yeah, PN Bhagwati, a former CGI, started entertaining public interest litigation. And expanded meaning of Article 21. Right? Expanded meaning of, started entertaining, ये है ये, मैं पहले I लिख दिया था, entertaining public interest litigation and expanded meaning of Article 21. Now, Article 21 includes many rights. Litigation and expanded meaning of Article 21. Now, Article 21 includes many rights. That means right to food, like right to food, right to adequate nutrition, है ना? Right to healthy environment, and so on.
राइट टू लाइफ हैज अ वेरी वास्ट मीनिंग, वेरी ब्रॉडर मीनिंग. इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इन बंधुआ बी ए एन डी एच यू ए बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट right to dignity, right to dignity is a fundamental right, is a fundamental right under Article 21. Right, right to dignity is a fundamental right under Article 21. अगर पता है आपको एक और लिखवा देता हूँ. In Puttaswamy versus Puttaswamy case, कौन सा Puttaswamy था? ये था case Puttaswamy. Yes. In case Puttaswamy case, अलग से लिखवाऊंगा मैं. Putta, P-U-T-T-A. स्वामी एस डब्ल्यू ए एम डबल एम वाई पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, या द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी, हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी is a fundamental right under Article 21. Right to life हमने खत्म कर लिया. Now we will move to right to liberty, but not today. आप बताओ इतना clear cut पढ़ाने के बाद 2021 में यही question आया था. ये आया था कि right to privacy included under right to Article 21, Article 19, Article 15. लोग क्या मार के आए पढ़ता है? कुछ स्टूडेंट मेरे मार के आए आर्टिकल 19. अब इतना मतलब क्लियर कट पढ़ाने के बाद लोग गलती करते हैं. हाँ हाँ नहीं 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 हाँ बाद में लग सर हंस रही थी मतलब कि हाँ सर हमने ऐसे 19 कर दिया अपने पढ़ाने के बाद. हाँ बैक करूं बिल्कुल. इस बार मेरा एक स्टूडेंट आपको पार्लियामेंट पढ़ाएंगे. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसको वो जो बिल जब पास होता है लोकसभा राज्यसभा से, तो प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं कर सकता. 2022 में पूछा था यूपीएससी में मेरे स्टूडेंट, कुछ एक दो स्टूडेंट गड़बड़ करके आए. राइट नो नॉट मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. या द प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक इट टू, प्रेसिडेंट हैज टू सेंड इट. तो रिटर्न भी तो नहीं कर सकता ना, ये तो उसमें था कि कैन नॉट रिटर्न. तो बिल्कुल 80% क्वेश्चन आसान आते हैं, 15% क्वेश्चन दे करके अपना दिमाग भारी मत करना. कभी भी पीटी में कोई भी दिमाग भारी मत करना कि यार पीटी डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता. 15% जो पार्ट होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन उसको लेकर के इमेजिनेशन नहीं बनाना है. अरे सार इतने सारे क्वेश्चन, हाँ बहुत अडेंडम पूछते हैं, कहाँ से क्या पूछता है यूपीएससी, किसी को नहीं पता है. ठीक है, तो हमें 85% पे प्रिपेयर करना है. राइट, और मात्र 60-70% अटेम्प्ट करना है, और 50% मार्क्स सिक्योर करना है, एंट्री लेना है बस. दैट शुड बी द एम इन पीटी. मेन फाइट है मेंस का. चलो आई विल स्टॉप हियर, सी यू टुमारो.